आप सुन रही हैं booksinvoice.com। प्रस्तुत है कहानी सफेद फूल और लेखक हैं यासुनारी कावाबाता और अनुवादक हैं सरिता शर्मा। सगे रिश्तेदारों के बीच कई पीढ़ियों तक शादियों का सिलसिला तब जाकर थमा जब लड़की के परिवार की धीरे धीरे फेफड़ों की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उसके कंधे भी काफी छोटे थे। जब पुरुष उसे गले लगाते होंगे तो शायद वे चौंक जाते होंगे। एक बार एक दयालु औरत ने उसे बताया था, शादी में इस बात का ध्यान रखना, जो पुरुष बहुत ताकतवर होगा वह नहीं चलेगा। जो आदमी कमजोर दिखता हो, जिसे कोई रोग न हो और जिसका रंग गोरा हो, ठीक रहेगा, बस उसे कभी फेफड़ों की बीमारी न हुई हो। ऐसा आदमी जो हमेशा ठीक से बैठता हो, शराब नहीं पीता हो और बहुत मुस्कुराता हो। हालांकि लड़की को ताकतवर आदमी की मजबूत बाहों के घेरे में कसे हुए उसकी पसलियों को चटकने देने के दिवास्वप्न देखकर मजा आता था। हालांकि उसका चेहरा तनाव मुक्त लगता था, पर वह हताश महसूस करती थी। जब वह अपनी आंखें बंद करती थी तो अपने शरीर को जीवन के सागर पर तैरते हुए देखा करती थी, जिसे धारा जहां ले जाती थी वहां बह जाता था। और अधिक सुनने के लिए लॉग इन करें www.booksinvoice.com।